क्या आपके पास भी एक पटेटो पीसी है कुछ इस तरह से, और उसमें आप खेलना चाहते हैं कुछ अच्छे ओपन वर्ल्ड गेम्स, पर आप नहीं खेल पाते क्योंकि भैया हमारे पास तो उतना सिस्टम में रिक्वायरमेंट नहीं है, हम कैसे खेलेंगे? तो भैया घबराने की कोई बात नहीं, आपका भाई आपके साथ है, तो डरने की क्या बात है। टॉप 10 ऐसे ओपन वर्ल्ड गेम जो कि आपके लो एंड पीसी पे आराम से चलेंगे, चाहे आपका इस तरह का पटेटो पीसी हो आराम से चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपके प्यारे दोस्त ने ये वीडियो रेफर किया है तो भैया उसको जाके एक पप्पी दो पहले तो, और वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। के वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट गेम निकल के आता है उसका नाम है जेम्स बॉन्ड 007 ब्लडस्टोन। एंड वेल गाइस, इस गेम के बारे में थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर देना चाहता हूं। सो वेल, जेम्स बॉन्ड 007 ब्लडस्टोन एक थर्ड पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है जहां पर आपको ओपन वर्ल्ड का भी एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। सो वेल गाइस, इस गेम को डेवलप किया गया था बाजार क्रिएशन के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया एक्टिविजन के द्वारा, एंड सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, आपके प्लेस्टेशन 3 के लिए, एक्सबॉक्स के लिए एंड फाइनली हमारे विंडोज के लिए। एंड वेल गाइस, इस गेम को रिलीज किया गया था 5 नवंबर 2010 को। बेसिकली दोस्तों, इस गेम की बात करें तो यहाँ पर आपको मिशन कंप्लीटिंग गेम है, साथ ही साथ इस गेम में आपको एक्शन, एडवेंचर एंड शूटिंग का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। इस गेम में आपको बेसिकली आप जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाते हैं और इस गेम में आपको बहुत ही जबरदस्त शूटिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इस गेम में आपको टास्क दिए जाते हैं, साथ ही साथ टास्क के साथ इसमें आपको थर्ड पर्सन शूटिंग वीडियो गेम का तगड़ा सॉलिड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अगर आप मूवीज टाइप के गेम को खेलना चाहते हैं तो भैया जेम्स बॉन्ड 007 आप ही के लिए बना है। साथ ही साथ इस गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, रैम की बात करें तो भैया सिर्फ 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 512MB नीड है, जो कि हर एक लैपटॉप एंड पीसी में आज के डेट पे रहता है। स्पेस की बात करें तो भैया 5GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को खेलने के लिए। और अगर आपको इस गेम को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो भैया सुपरमैन जैसा मेरी वेबसाइट पे जाएं एंड इस गेम को इंस्टॉल कर ले। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम की, जो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है उसका नाम है स्पाइडरमैन 3। एंड दोस्तों, स्पाइडरमैन 3 एक ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है जिसे रिलीज किया गया था 17 अक्टूबर 2007 को। एंड वेल गाइस, ये ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, आप इसे एक्सबॉक्स, पीसी एंड अपने प्लेस्टेशन 3 में भी खेल सकते हो। इसे डेवलप किया गया बैंकॉक के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया एक्टिविजन के द्वारा। अब बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन की, भैया इस गेम में आपको क्या स्टोरी लाइन मिलने वाला है। तो भैया जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है पीटर पार्कर, जो स्पाइडरमैन रहता है, सो बेसिकली होता है क्या है कि अब कहानी शुरू होती है डॉक्टर ऑक्टेवियस के मरने के एक साल के बाद। एक एज वूमेन एक गैंग रहता है जो कि पूरे शहर में तहस महस करता है एंड उस गैंग को ट्रीट करते उन गुंडों को भेजता है कार्लियल, जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन रहता है जिससे काफ़ी पॉल्यूशन निकलता है। तो होता क्या है कि जितने भी मीडियाज न्यूज़ रहते हैं उन्हें टारगेट करते हैं, उसके ऊपर आर्टिकल छापते हैं, वो गुंडे को हायर करता है एंड पूरी सिटी को उड़ाने के लिए बोलता है। तो बेसिकली स्पाइडरमैन अब क्या करता है, सभी गुंडों को वो मारता है एंड सिटी को बचाता है। तो बेसिकली इस तरह से आपको यहाँ पर स्टोरी लाइन देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ दोस्तों, ये गेम ओपन वर्ल्ड है तो यहाँ पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड का व्यू देखने को मिल जाएगा एंड गेम का ग्राफिक्स काफ़ी ओपी है। साथ ही साथ इस गेम के जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो भैया 212MB बस ग्राफिक कार्ड आपके पीसी लैपटॉप पे होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करें तो भैया पेंटम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 5GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने पीसी लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो वेल गाइस, अगर आपको ये गेम पसंद आता है और इसे आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो भाई सुपरमैन जैसा मेरे वेबसाइट पे जाएं एंड इस गेम को इंस्टॉल कर ले। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। जो हमारा थर्ड गेम निकल के आता है उसका नाम है टोटल ओवरडोज। थोड़ा डिस्क्राइब कर देना चाहता हूं दोस्तों, ये गेम जो है आपका ओपन वर्ल्ड है, साथ साथ ये थर्ड पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया था डेडलाइन गेम्स के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया था SCI गेम्स के द्वारा। एंड ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट, प्लेस्टेशन 2, मतलब आप ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म में इस गेम को खेल सकते हो। इस गेम को रिलीज किया गया था दोस्तों 16 सितंबर 2005 को। एंड यार, इस गेम का ग्राफिक्स का क्या कहना है एंड साथ ही साथ जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम है। बेसिकली यहाँ पर आपको मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं एंड मतलब क्या बताऊँ इस गेम के बारे में दोस्तों, इसमें आपको बेसिकली यहाँ पर आपको मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं एंड आफ्टर मिशन कंप्लीट करने के बाद बेसिकली आप कहीं भी इधर उधर सिटी में घूम सकते हो। एंड साथ ही साथ जो गेम्स का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ कि मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। दोस्तों, टोटल ओवरडोज को खेलने के लिए आपके पास मिनिमम रैम 256MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात हो तो मिनिमम हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। एंड प्रोसेसर की बात करो तो अगर पेंटियम का कोई भी
प्रोसेसर है आपके पास तो आराम से ये गेम आपके पीसी या लैपटॉप पे चल जाएगा। और स्पेस की बात करूँ तो मिनिमम 1.5 जीबी के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए। अगर आपको ये गेम पसंद आता है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो बल्कि इस बढ़ते हमारे फोर्थ गेम के ऊपर, जो हमारा फोर्थ गेम निकल के आता है उसका नाम है GTA Vice City। एंड दोस्तों GTA Vice City के बारे में बात करें, GTA Vice City रिलीज हुई थी 2002 को PS2 के लिए एंड 2003 को रिलीज हुई थी PC के लिए। तो वेल गाइस, इस गेम में आपको बेसिकली करना क्या रहता है एंड गेम किस टॉपिक के ऊपर है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि GTA Vice City एक एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है। इसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया रॉकस्टार गेम के द्वारा एंड ये फोर्थ गेम है GTA सीरीज का। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है जिसका नाम टॉमी रहता है, बेसिकली वो उसे कुछ मिशंस दिए जाते हैं, वो मिशंस को कंप्लीट करता है एंड आफ्टर मिशन आप गेम में इधर उधर ओपन वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ले सकते हो, मतलब कार चला सकते हो, एरोप्लेन उड़ा सकते हो। मतलब कि ग्राफिक्स की बात करें तो गेम का ग्राफिक्स काफ़ी ओपी है एंड ऑलमोस्ट ही सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे PC में खेल सकते हो, Xbox में खेल सकते हो एंड आपके PlayStation में खेल सकते हो, इनफैक्ट अपने Android डिवाइस पे भी खेल सकते हो। तो भैया सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। कि सिस्टम रिक्वायरमेंट, रैम की बात करें तो मिनिमम 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें, हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। और प्रोसेसर की बात करें तो भैया कोई भी पुराना प्रोसेसर में ये गेम आराम से चल जाएगा। और स्पेस की बात करें तो भैया 2 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को खेलने के लिए। और अगर आपको इसका नया एडिशन को डाउनलोड करना है जो कि 2020 में रिलीज हुआ था, उसे इंस्टॉल करना है, तो भाई मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है, वेबसाइट का लिंक नीचे है, जाके खुद उफान के भाई आराम से जाओ और गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। जो हमारा फिफ्थ गेम निकल के आता है उसका नाम है गन। इसे हम बोल सकते हैं छोटा रेड डेड रिडेम्पशन 2। अगर आप पे रेड डेड रिडेम्पशन 2 चल नहीं पाता है क्योंकि इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट बहुत ही हाई है और साथ ही साथ उसका जो साइज है वो भी काफी बड़ा है, तो भाई ये छोटा रेड डेड रिडेम्पशन 2 आप ही के लिए बना है। आपको वेस्टर्न थीम जैसा आपको पूरा यहाँ पर लुक मिलता है एंड यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि ये गेम आपका एक्शन एडवेंचर एंड शूटिंग के साथ साथ ओपन वर्ल्ड है। डेवलप किया गया है नेवरसॉफ्ट के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया था एक्टिविजन के द्वारा एंड बेसिकली सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। इनको रिलीज किया गया था 5 नवंबर 2005 को एंड बेसिकली बताऊँ तो यार गेम बहुत ही अमेजिंग है। मतलब गेम पुराने होने के साथ पूरा यार एक्शन, मतलब पूरा फन से भरा हो। जो गेम का सिस्टम रिक्वायरमेंट है बहुत ही कम है। मतलब की बात करो तो मिनिमम आपके पास 256 MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। एंड प्रोसेसर की बात करो तो पेंटियम का कोई भी प्रोसेसर हो तो इस गेम को आप आराम से खेल सकते हो। ओके, तो वेलकम्स, बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ गेम के ऊपर। जो हमारा सिक्स्थ गेम निकल के आता है उसका नाम है द गॉडफादर एंड द गॉडफादर एक ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है। दोस्तों इसे डेवलप किया गया EA Redwood के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। साथ ही साथ गेम को रिलीज किया गया 21 मार्च 2006 को एंड ये ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे प्लेस्टेशन, अपने विंडोज के लिए, एंड्रॉयड के लिए एंड एक्सबॉक्स के लिए आराम से खेल सकते हो। बेसिकली ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है, यहाँ पर आपको मिशंस कंप्लीट करना रहता है। आफ्टर मिशन आप सिटी में इधर उधर घूम सकते हो। मतलब एक तरह से बोला जाए तो ये पूरा आपका माफिया टाइप का गेम है। मतलब यहाँ पर आपको शूटिंग वूटिंग का एक्सपीरियंस पूरा ज़बरदस्त देखने को मिलने वाला है। और अगर आपके पास एक लो इन PC और आप एक ओपन वर्ल्ड गेम खेलना चाहते हैं, भैया द गॉडफादर आप ही के लिए बना है। अगर आपने गॉडफादर 2 भी नहीं खेला है तो भाई उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो अपने लो इन PC। तो बल्कि इस गेम को जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है रैम की बात करें तो भैया 1 GB से कम होना चाहिए। और ग्राफिक कार्ड्स की बात करें, हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। मतलब आपके लो एंड से लो एंड PC में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 6 GB के आसपास स्पेस खाली रखना। और प्रोसेसर की बात करें तो पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। और अगर आपको इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो भाई देर की इस बात की, जाओ ना कूद फान के मेरे वेबसाइट पे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लाइक कर दो यार। देखो दिल से बुरा लगता है जब तुम लाइक नहीं करते हो, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार। ओके, तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे सेवंथ गेम के ऊपर। जो हमारा सेवंथ गेम निकल के आता है उसका नाम है Assassin's Creed 3। एंड दोस्तों Assassin's Creed 3 आपका एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया Ubisoft के द्वारा। रिलीज किया गया था 30 अक्टूबर 2012 को। एंड वेल गाइस, ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, PlayStation 4, Xbox, PlayStation 3 एंड आपके PC के लिए।
बेसिकली दोस्तों एक स्टोरी लाइन मिशन गेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको ओपन वर्ल्ड का भी एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। यहाँ एक गेम खोज जिसमें आपको फाइटिंग, एडवेंचर एंड ओपन वर्ल्ड का व्यू मिले, तो भैया असैसिन क्रीड सिर्फ आप ही के लिए बना है। तो जो स्टोरी लाइन दोस्तों वो आपको काफी पसंद आने वाला है। रिक्वायरमेंट है भैया वो भी कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत ही लो है। तो भैया रैम की बात करें तो मिनिमम 1.5 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो भैया 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मिनिमम आपके पास 6 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और अगर आपको इस गेम को भी अगर आपको खेलना है या इंस्टॉल करना है तो भाई मतलब बोलने वाली क्या बात है, कूद भान के मेरे वेबसाइट पे जाएं और इस गेम को इंस्टॉल कर ले। तो वेल गाइस बढ़ते हमारे 8 गेम के ऊपर। जो हमारा 8 गेम निकल के आता है उसका नाम है बुली। एंड बुली एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया रॉकस्टार गेम के द्वारा। एंड वेल गाइस इस गेम को रिलीज किया गया था 17 अक्टूबर 2006 को। साथ ही साथ सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, आप इसे एंड्रॉइड, प्लेस्टेशन 2 एंड प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स एंड आपके पीसी में भी खेल सकते हो। साथ ही साथ इस गेम के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ जिमी हॉकिंस से, जो कि 15 साल का काफ़ी शरारती लड़का है। एंड उसकी मम्मी सेकेंड मैरिज करके अपने सिटी शिफ्ट करके उसे सब डेंजर स्कूल में लाके बुलवर्थ एकेडमी में उसे भाई एडमिशन मिल जाता है। एंड साथ ही साथ यहाँ से अब गेम स्टोरी लाइन शुरू होता है। आप जानते हैं एक पूरा स्कूल लाइफ टाइप का गेम है, मिशंस कंप्लीट होते हैं, यहाँ पर आपको टास्क दिया जाता है एंड आपको टास्क को कंप्लीट करना रहता है। साथ ही साथ गेम में आपको ओपन वर्ल्ड व्यू देखने को मिल जाता है। एंड गेम खोज रहे हो जिसमें मार पिटाई एंड आप किसी को फाइटा फाइटी दो, तो ये गेम सिर्फ आपके लिए बना है। एंड वेल गाइस इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। रैम की बात करें तो भैया 1 GB होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करें तो भैया पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 में नीड है। एंड दोस्तों स्पेस की बात करें पीसी या लैपटॉप पे 5 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए। और अगर आपको इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो भाई वेबसाइट पे जाओ एंड अपने गेम को इंस्टॉल कर लो। सो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। कि जो हमारा 9th गेम निकल के आता है उसका नाम है सैन थ्रो 2। एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया था वैल्यूएशन के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया THQ के द्वारा। साथ ही साथ इस गेम को रिलीज किया गया था PS3 के लिए सबसे पहले अक्टूबर 14, 2008 को। एंड ये विंडोज के लिए रिलीज किया गया है 5 जनवरी 2009 को। एंड गेम में दोस्तों आपको सिंगल प्लेयर का भी एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा एंड साथ ही साथ गेम में आप मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं। गेम की बात करें तो इस गेम में आपको टोटल ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं एंड आफ्टर मिशन आप सिटी में इधर उधर घूम फिर सकते हैं, मतलब पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो सिटी में। एंड वेल गाइस इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है उसकी यहां पर मैं बात कर लेना चाहता हूं। दोस्तों इस गेम का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहां पर मैं रिवील कर देना चाहता हूं। रैम की बात करें तो भैया 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भाई प्रोसेसर की बात करें इंटेल कोर स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 7 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपको इस गेम को इंस्टॉल करना है तो भाई कूद फान के मेरे वेबसाइट पर जाओ एंड वहां से आप इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हो। सो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे लास्ट एंड 10th नंबर वाले गेम के ऊपर। तो वेल गाइस जस्ट कॉज एक थर्ड पर्सन एक्शन एडवेंचर शूटिंग वीडियो गेम है जो कि एक ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में पूरा बेस है। यहाँ पर आप एक कॉप बन के जाते हो जहाँ पर आपको मिशंस कंप्लीट करना रहता है, जो कि आपके एनिमीज रहते हैं उसका बेस को तबाह करना रहता है। तो बेसिकली यही इसका जो मिशन लाइन है यही है। दोस्तों इस गेम को डेवलप किया गया प्लान स्टूडियो के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया एडुस इंटरेक्टिव के द्वारा। एंड वेल गाइस ये भी सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, प्लेस्टेशन टू, एक्सबॉक्स एंड आपके पीसी के लिए। एंड इस गेम को रिलीज किया गया 27 सितंबर 2006 को। बेसिकली गेम की मोड की बात करो तो यहाँ पर आप सिंगल प्लेयर खेल सकते हो, अभी तक मल्टीप्लेयर इसका है नहीं, सिंगल प्लेयर मोड है। एंड दोस्तों इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी वो काफ़ी ऑसम है, मतलब यार गेम का साइज के हिसाब से एंड जो गेम का सिस्टम रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से गेम का ग्राफिक्स काफ़ी ओपी है। सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ। रैम की बात करो तो मिनिमम 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 512 भी नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 4 GB आपके पास मिनिमम स्पेस खाली होना चाहिए। गाइस यही कुछ 10 गेम थे आपके लो एंड पीसी के लिए, जो कि 1 GB रैम और बिना ग्राफिक कार्ड के आराम से आपके पीसी या लैपटॉप पे चल जाएंगे। गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स जरूर शेयर करो भैया जिनके पास एक पटाटो वाला पीसी है जो कि अच्छे गेम्स खेलना चाहते हैं ओपन वर्ल्ड। तब तक के लिए मैं मिलता हूं एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।